हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जो एक सीरीज स्टार्ट किया था रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, उसका पार्ट टू लेकर के आया हूँ। यह 17/9/2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का लास्ट शिफ्ट वाले का पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, पार्ट सेकेंड लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या है, दिसंबर 2017 में तक भारत के विभिन्न बैंक द्वारा NPA के बारे में जानकारी दिया गया है। बैंक ए से लेकर के बैंक एफ तक है, सभी बैंक में कितने परसेंट NPA था 2017 में, उसके बारे में बताया गया है। हमें क्वेश्चन पूछा गया, यदि सभी बैंक के अंतर्गत कुल NPA 300 लाख करोड़ हैं तो दिसंबर 2017 तक डी के अंतर्गत NPA कितना है। देखिए, टोटल जो बैंक है उस बैंक में 300 लाख करोड़ NPA था। मतलब अगर हम मान लेते हैं टोटल NPA अगर 100% है, मतलब 100% इज इक्वल टू 300 लाख करोड़। हमें निकालना है डी, डी का NPA सिर्फ 5% है, तो 5% इज इक्वल टू व्हाट, ये 5% इज इक्वल टू हमें निकालना है। सीधा है, तो 100% इज इक्वल टू 300, तो 5% इज इक्वल टू इसका 120 निकाल लीजिए, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 300/100×5। देखिए ये सिक्वेंशियल, यानी कितना होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 लाख करोड़ इसका NPA है। तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, यदि संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या क्या होगी। सीधी परसेंटेज से क्वेश्चन सीधा पूछ दिया गया है। अगर कोई संख्या, मान लेते हैं x है, अगर कोई संख्या x है उसका 35% 91 है, तो वह संख्या x का वैल्यू कितना हो जाएगा। x वैल्यू कितना हो जाएगा, 91। इस 100 को उधर जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 35 नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। काट लीजिए अभी इसको, 13/7 से कट जाएगा, 13 टाइम्स में, और 5 से काट देंगे इसको 20 टाइम में, तो 20 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 260 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग आसानी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पिछले क्वेश्चन जैसे हम बनाए थे परसेंटेज को, उसी के आधार पे इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर 35% इज इक्वल टू 91 है तो 100% इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल है, तो क्या कर लेंगे हम, 91/35 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये डिवीजन के जो रूल्स होते हैं उससे क्वेश्चन को पूछा गया है। कहा गया है 4 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 4 से डिवीजन का रूल क्या है, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या, पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट देखना है, इसमें 90, इसमें 76 है, इसमें 54 है, इसमें 66 है। देख लीजिए कौन 4 से डिवाइड होगा, तो 90 4 से डिवाइड नहीं होगा, 76, 19 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आता है, मतलब ये 4 से डिविजिबल, इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन से बोध मास का यूज करना है। सबसे पहले जो हमारा छोटी ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखेंगे तो अब छोटी ब्रैकेट के अंतर्गत है, उसके अंदर भी एक ये है छोटी ब्रैकेट, तो क्या कर लेंगे हम, 161 आगे है प्लस का साइन, प्लस दे देंगे, 19-2 = 17, फिर आगे प्लस 1 है, उसके बाद देखिए मीडियम ब्रैकेट के अंतर जो भी था सब सॉल्व हो चुका है, उसको हटा देंगे, -3 दे देंगे, बाकी सभी ब्रैकेट का काम ख़त्म हो चुका है। देखिए 161 + 17 कितना हो जाएगा, 178 + 1
9-3 यानी 176, सबको देख ओरली आप सॉल्व करना चाहेंगे तो भी हो सकता है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 10 से 15 सेकेंड के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन ही परसेंटेज से ही है। एक छोटे स्तर के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं, मतलब निम्नलिखित खर्चे जो होते हैं वह दिया गया। विपन्न पर 10% का, कर्मचारी का वेतन 65% होता है और कच्चे माल के लिए 25% की खर्च आती है। यदि कंपनी की कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपन्न व्यय कितना होगा। मतलब आपको दे दिया है कर्मचारी का वेतन 65% है ये खर्च होती है और यही 65% इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 65,000। ठीक है, हमें निकालना है विपन्न व्यय। विपन्न व्यय कितना है 10%, तो 65% दिया हुआ है, 10% का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये, सिंपल जैसे निकाले हैं पीछे भी वही है 65,000, 65 नीचे में आ जाएगा और 10 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 65 से 65 कैंसिल, 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका आंसर 10,000, आपका आंसर 10,000 हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये मेथड आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सेकेंड मेथड भी आपको बता देते हैं। मतलब हम x लेकर के भी इस वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं पूरे साबुन बनाने की एक्सपेंडिचर अगर एक्स रुपीज है, ठीक है, एक्स रुपीज का 65% 65,000 है। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, 65 कैंसिल, 1000 इंटू 100 मतलब 1,00,000 हो जाएगा, 1,000 120 इन टोटल जो एक्सपेंडिचर आ रहा है साबुन बनाने का वो आ रहा है 1,00,000 रुपीज। अब पूछा गया सिर्फ हमें विपन्न व्यय मतलब इसका 10% हमें निकालना है, 1,00,000 का सिर्फ 10% मतलब इसको हम 100 डिवाइड कर लेंगे, 10% इंटू 10 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमेट्री से। देखिए कॉट पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3.6 दिया हुआ है, तो निकालना है हमें कोसेक का पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए आपको फार्मूला एक पता होगा ट्रिगोनोमेट्री में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहीं पे हमें कॉट में दिया हुआ है वैल्यू, हमें कोसेक में आंसर निकालना है, तो हम कोसेक को कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब वहाँ पर हम कोसेक स्क्वायर वैल्यू पे लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट का पावर 4 थीटा, इसमें से माइनस हटा देंगे ब्रैकेट में, कितना हो जाएगा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cot² θ माइनस cot² θ कितना हो जाएगा, ये cot² θ प्लस cot 4θ, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 3.6, हमें यही निकालना था, 3.6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या है उसका सम दिया हुआ है, दो संख्या का योग दिया हुआ है 9 है, उसके व्युत्पन्न का योग 1/2 है, तो उन संख्या में से एक संख्या क्या होगी उसको निकालना है। सपोज कर लेते हैं अगर एक संख्या x और दूसरी संख्या y है, दोनों का सम 9 दिया हुआ है और इसके व्युत्पन्न मतलब इसके रिवर्स का सम 1/2 दे दिया। देखिए थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये x y, सॉरी x इंटू y
और एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई, एक्स प्लस वाई जाएगा इक्वल टू वन बाई टू। देखिए एक्स प्लस वाई वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं तो कितना जाएगा, नाइन बाई एक्स वाई इज इक्वल टू वन बाई टू, यानी एक्स वाई का वैल्यू आपको आ जाएगा 18। देखिए अब यहाँ से आप ऑप्शन का यूज कीजिए और सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करते ऑप्शन इसमें पुट करते हैं, अगर हम एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू एक इंटीजर है यानी होल नंबर है, यानी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आएगा नहीं डेसिमल में आ जाएगा तो 2 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो दोनों का सम है एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6, या फिर पुट करके अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर 2 लेंगे तो एक वैल्यू 7 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई 18 नहीं होगा, 5 लेंगे तो एक नंबर 4 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 18 नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर एक हो जाएगा 6, तो दूसरा नंबर कितना जाएगा 3। चलिए एक क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर उसे 10% कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। देखिए सपोज करते हैं अगर किसी वस्तु का कॉस्ट 100 रुपया है, पहले इसको बढ़ा दिया जाता है तो मतलब अब हो गया ये 110 रुपया, फिर क्या कहा जाता है इसको 10% कम करना है, मतलब 110 इंटू 10% कम करके 90/100, तो कितना जाएगा 10 यहाँ 10 यहाँ कैंसिल, मतलब अब कॉस्ट हो जाएगा उसका 99 रुपये। पहले जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपया था अब उसी वस्तु का मूल्य 99 हो गया, मतलब 1 रुपया 100 में कमा है, मतलब 1% की कमी हो गई। एक सरल भाषा में आप आसानी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियो और भी आते रहेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट था, अगले पार्ट भी आएगा, मतलब जितने भी RRB ग्रुप डी के मैथ्स पूछे गए हैं अभी तक एग्ज़ाम में, सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।